इस सप्ताह में किसान मित्रों, कल से यानी कि सोमवार से लेकर कल दिनांक है 9/9/2024। अब क्या होगा कि कल के बाद मंडियों में आवकों का प्रेशर ऐसा लग रहा है कि बढ़ने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आने वाली 18 तारीख मतलब कि 18 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे। जब श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे तो ऐसा माना जाता है कि प्याज के बाजार में वहां पर 15 दिन तक किसी भी प्रकार से प्याज का बाजार स्लो ही चलने वाला है। तो इस कारण से मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक बात कही थी कि मैं हमेशा तेजी की ही बातें क्यों करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप इस तेजी में आपने आवके बढ़ा कर देख लिए, जिस दिन भी आपने मंडियों में आवके बढ़ाई है वहां पर आपका माल 1 रुपये 50 पैसे या 2 रुपये कम ही बिका होगा आने वाले पिछले दिन से। तो ऐसा ही किसान मित्रों, मैं आपको आज संडे है, आज इस खबर से अरूबरू करा रहा हूं कि सोमवार से लेकर शनिवार के बीच में हो सकता है 1 या 2 दिन मंडियां भी बंद रहे। इसी बीच किसान मित्रों, आप लोगों को मंडियों में भीड़ दिखेगी, मंडियों में आवके ज्यादा दिखेगी, मंडियों में प्याज का बाजार स्टेबल दिखेगा या 1-2 रुपये डाउन दिखने वाला है। इसका सबसे बड़ा कारण आवके मानी जाएगी। प्याज का बाजार स्टेबल रहने की उम्मीद हम लोगों को है क्योंकि नाफेड भी अपना प्याज बाजार में उतार रही है। कर्नाटक में भी बारिश कम हो चुकी है, वहां पर भी नया प्याज का फ्लो बढ़ने वाला है। तो इन 18 से 24 दिनों के बीच में किसान भाइयों, हम लोगों को प्याज का बाजार लटका हुआ नजर आ सकता है। अभी यह जो हफ्ता चलेगा, यह जो सप्ताह आने वाला है, चलने वाला है, यह बहुत कुछ कहकर जाएगा आने वाले प्याज के बाजार के डिसीजन के बारे में। हम लोगों ने अभी तक 80% माल हर एक किसान ने बेच दिया है। अब इस हफ्ते में कौन लोग भीड़ करने वाले हैं, जिनके पास में 50 कट्टे बचे हैं, 100 कट्टे बचे हैं, वह लोग सोयाबीन की भी अब कटाई मध्य प्रदेश में लगभग लगभग शुरू होने वाली है 15 दिन के बाद। तो इसमें 50-100 कट्टे वाले जो किसान मित्र हैं उनकी संख्या अभी भी 70% है। ऐसे किसान जिनके पास में 50 से 100 कट्टे 200 कट्टे के बीच में प्याज है, वह किसान अब मंडियों में अपना प्याज स्पीड से निकालने वाला है। इसी कारण से मंडियों में भीड़ होगी और भीड़ होगी तो बाजार हम लोगों को लटका हुआ नजर आने वाला है इस हफ्ते में या इस हफ्ते के बाद। तो मैं यूं कहूं कि प्याज के बाजार में हम लोगों को 2 से 5 रुपए की मंदी देखने को मिलेगी। अब बहुत सारे किसान मित्र कहेंगे कि आपने बोला था तेजी होगी, तेजी है भाई साहब, ये 30 से 35 रुपए का बाजार और 35 से 40 रुपए का बाजार 15 से 20 दिन तक चलना, इसे मंदी नहीं कहते। अब मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इस सप्ताह को छोड़कर, यह सप्ताह कल से शुरू होगा सैटरडे तक, इसके बीच में किसान मित्र आवक भी करेंगे, मंडियां 1-2 रुपए ऊपर नीचे जरूर चलती रहेगी। लेकिन आने वाला सप्ताह निर्भर करेगा प्याज के अग्रिम बाजार की तरफ। मेरा अभी भी वही स्टैंड है, प्याज इस वर्ष ऐतिहासिक तेजी की तरफ जाएगा। लेकिन कब जाएगा? अभी 18 से 24 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। किसान मित्र घबराए नहीं इन दिनों में। अक्सर होता यही है कि अभी तक तो हम आए हैं, 95% रास्ता हमने पार कर लिया है, 5% रास्ता हम लोगों को और पार करना है जो है लगभग 20 से 25 दिन का। इसके बीच में जो किसान मित्र अपने प्याज को चाहे वह 5% बचाएं, 10% बचाएं, 15% बचाएं,
बचा कर रखें और ऐतिहासिक तेजी जो नवरात्र के बाद हम लोगों को दिखाई दे रही है उसमें अपने माल को बेचें। इस हफ्ते में पक्के में मंडियों में आमदनी बढ़ेगी, एक दिन बाद बढ़े, दो दिन बाद बढ़े या तीन दिन बाद बढ़े, बुधवार गुरुवार के बाद इस हफ्ते में मंडियों में आमदनी बढ़ने वाली है। थोड़ा थोड़ा करके ही माल को बेचे, माल ड्राई है, अभी तक आपके पास जो माल बचा है पक्के में ड्राई बचा होगा। जिन किसान मित्रों का प्याज गल रहा था, सड़न की समस्या आ रही थी, पानी छोड़ रहा था, उन किसान मित्रों ने अपना प्याज बहुत अच्छे भाव में बेच लिया है, लेकिन अब जिन लोगों के पास में प्याज है उनको एक महीना वेट करना पड़ेगा, 20 से 25 दिन का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिन मद्दी की तरफ जाने वाले हैं, आने वाला समय आवकों का रहने वाला है, आने वाला समय सोयाबीन का रहने वाला है। तो इसमें इस 15 दिन के बाद जब कटिंग चालू होगी सोयाबीन की और श्राद्ध पक्ष भी 24 दिन, मैंने बताया 18 से 24 दिन का जो समय है, 2 तारीख से नवरात्र स्टार्ट होंगे, 2 या 3 से, उस समय पर हम लोगों को धैर्य बनाए रखना है। प्याज का बाजार बहुत अच्छी कंडीशन में जाने वाला है। हमेशा होता है, कभी कभी होता है कि प्याज यहाँ तक बिका और इसके बाद धीरे 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 स्लो डाउन होता चला जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, क्योंकि अलवर की फसल, किसान भाइयों अभी भी आप सोशल मीडिया से यदि जुड़े हैं तो अभी भी सोशल मीडिया पर राजस्थान की प्याज के वीडियो फोटो आ रहे हैं। उस वीडियो फोटो में भी देखिए आप कितनी ज्यादा बारिश राजस्थान में, 40% बारिश ज्यादा राजस्थान के अलवर क्षेत्र में हो रही है, भादोगढ़ अलवर पूरा राजस्थान पानी से लबालब है। तो इसलिए किसान भाइयों प्याज आएगा अलवर का, स्पीड से नहीं आएगा, पूरा महीना नवंबर का स्पीड से प्याज आने वाला नहीं है, इसलिए धैर्य रखें। यदि माल ड्राई है तो रोकें, किसी के भरोसे माल को ना रोकें, यदि बेचना है तो बेच के निकल जाइए, लेकिन प्याज का बाजार एक बार ऐतिहासिक तेजी की तरफ बढ़ेगा जरूर। तो किसान भाइयों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, बने रहें मेरे साथ प्याज की उन्नत खेती यूट्यूब चैनल पर। जय किसान, जय बलराम, जय जवान।